अभी हम आ चुके हैं छत्सारा सिंह इंटर कॉलेज जालौन में। और क्या कर रहे हैं तुम? क्या बात कर रहे हैं? पर हो रहा है रजिस्ट्रेशन। वो बैठा है हमारा आनंदी भाई हरसे बालिका विद्यालय। और जे क्या कर रहे हैं? का होगा हाथ में है? हाँ लगड़ान लगवा लगे, लगड़ान लगो कक जोड़ रहे जी, का जोड़ रहे जी, मूंगफली तोड़ो जोड़ो में, मूंगफली टेप लगा के जोड़ रहे, तोड़ो जोड़ो में मशीन मूंगफली का है। ये हाथ नहीं वाले हाथ यहाँ पर लगे हैं। ये छत्सारा इंटर कॉलेज जालौन का प्रोजेक्ट। और यहाँ पर आ चुके हमारे बच्चे जो कि यहाँ पर बैठे बैठे डिस्कशन चल रही है। समझा रही हो क्या? अच्छा समझा रही हूँ। यहाँ पर ये सारे मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं। और यहाँ पर ये कोरोना वायरस जो कि फिर से फैल रहा है। और ये लड़की अभी मास्क भी लगाए रखा है। लगाना है बिल्कुल, योगी जी को भी लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर द ब्रेन है उसके। अच्छा इसमें क्या होता है? अच्छा ऑटोमेटिक है कि कोई अपने यहाँ अच्छा हमला वगैरह करे तो आ नहीं पाए, वाहन वगैरह नहीं आ सकते, ऑटोमेटिक है। ठीक ठीक, थोड़ा ये करके दिखाओ जरा। देखिए अभी ये ऑटोमेटिक है सब कुछ। यहाँ पर जैसे ही गाड़ी यहाँ पर आएगी तो वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो वाला हिस्सा वो अपने आप ओपन हो जाएगा। जैसे अभी गाड़ी को थोड़ा पीछे करके राउंड करके यहाँ आकर वो देखिए अपने आप उड़ गया है वो। इस प्रकार से कोई भी वाहन वहाँ पर नहीं आ सकता, तो ईजिली हम कंट्रोल कर सकते हैं दुश्मनों को। और यहाँ पर ये है किसान की समस्या जो कि अभी यहाँ अभी बताओगी ना पूरा, तो अभी जैसे ही इनका निरीक्षण होगा तो ये पूरा प्रेजेंट करेंगे अपना। और यहाँ पर सेफगार्ड भाई इसकी जरूर जरूरत है हमें, क्योंकि हमें पृथ्वी को बचाना चाहिए पोल्यूशन से या अन्य चीज़ों से। और यहाँ पर एक वर्किंग मॉडल है जो ह्यूमन आई का है, तो मानव नेत्र जिसे हम लोग कहते हैं कैसे काम करता है, प्रकाशक यंत्र की तरह काम करता है, वो अभी हम लोग बाद में देख रहे हैं। और यहाँ पर लगा हुआ हमारा स्कूल महाराणा प्रताप साइंस एकेडमी के बच्चे यहाँ पर सारी शायद यहाँ पर स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं और बॉयज़ भी यहाँ पर को एजुकेशन है। तो यहाँ पर ये परावर्तन का और यहाँ पर बेटा ये काय का है? प्रदूषण के ऊपर है। और ये बेटा ग्रीन एनर्जी पे आपने बनाया है। और यहाँ पर ये क्या है? नाइट डे। अच्छा ये डे एंड नाइट वाला है ये आपका, ठीक है। बच्चे काफी प्रतियोगिता में रहते हैं, इन दोनों बच्चों को हमने अक्सर देखा है। ये हमारे गुरुजी हैं जो लगातार आपको बता दें कोई भी कार्यक्रम हो छत्साल में या कहीं और भी जिला स्तर पर या कहीं भी, तो सर हमारे पूरी लगनशीलता से लगे रहते हैं। अभी भी व्यवस्थाएं सारी समझ रहे हैं। सर थोड़ा बताएंगे इस प्रोग्राम का क्या यहाँ पर मोटो है? सबसे पहले तो छत्साल में आए सभी अन्य विद्यालयों के तहसील स्तर के विद्यालयों का सभी का स्वागत जी, अभिनंदन। आज जैसे जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता है जी, आप देख रहे हैं कि बच्चों ने मेहनत करके सभी मॉडल बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल हैं जी। कुछ ही देर में जनपद की मुखिया, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला अधिकारी जी यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, फिर वो गंभीरता से सभी बच्चों का निरीक्षण लेंगे और उन्हें बताएंगे समझाएंगे चीजों को जी सर। और इसी के साथ राजा सर का भी सहयोग बहुत बड़ा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बस आपका ही सहयोग है सर, हम लोग तो आपके हाथ हाथ है बस। बेटा आप लोग जालौन बालिका इंटर कॉलेज से, और यहाँ पर भी ये जालौन बालिका इंटर कॉलेज के तीन मॉडल्स आए ना आप लोगों के। ये बेटा क्या है? अच्छा वाटर वर्किंग मॉडल है क्या ये? अच्छा बारिश का पानी यूज में, तो आप क्या क्या यूज में ला सकती हैं बारिश के पानी के द्वारा? अच्छा पेड़ पौधों में लगा सकते हैं। चक्की जो वर्किंग मॉडल है यहाँ पर, जैसी पवन चक्की चलेगी, जैसे कि हम सबको पता है कि पवन चक्की के द्वारा हम लोग लाइट का निर्माण करते हैं। ह्यूमन सेल होती है उसकी सबसे बाहरी परत होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ कोशिका के अंदर उन्हीं चीजों को आने देती है जो कि उसके लिए यूजफुल होती है। अब कोरोना हमारे लिए हार्मफुल होता है तो फिर ये इसके अंदर एंटर कैसे करता है? कोरोना पहले ऐसे नहीं था, उसने धीरे धीरे अपने आप को बहुत तेजी से डेवलप करता है। तो जब धीरे धीरे इसने जब डेवलप किया तो इसमें ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर आरएनए होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे ये प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एसी रिसेप्टर होता है, एसी रिसेप्टर 2 इसका नाम होता है, तो इससे ये मैच कर जाता है। तो इससे सेल मेम्ब्रेन लगता है कि ये हमारे लिए यूजफुल है, तो ये सेल के अंदर एंटर कर जाता है। और फिर यहीं से यहाँ पर पाया जाता है लाइसोजाइम, तो इससे ये लाइसोजाइम से कनेक्ट होकर इसके अंदर का जो आरएनए होता है और ये प्रोटीन्स होता है वो पूरी में रिलीज हो जाता है, हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। इसके बाद आरएनए जो होता है वो क्या काम करता है कि इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा मात्रा में जाते हैं तो धीरे धीरे प्रोटीन्स जो होते हैं वो कोरोना का आकार को ग्रहण कर लेते हैं और आरएनए उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इससे ऐसे बहुत सारे कोरोना हमारी सेल में बन जाते हैं और बहुत सारी कोरोना बन जाती है, इस वजह से वो सेल को खा जाते हैं, तो हमारी सेल कट जाती है। और ये जो एसी रिसेप्टर 2 होता है वो हमारे खास तौर से
फेफड़ों में ही पाए जाते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले सांस की प्रॉब्लम होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, इसी वजह से क्योंकि ये फेफड़ों पाया था और फेफड़ों में भी सबसे ज़्यादा बातें पाया। कोरोना वायरस जो होता है वो हमारे सबसे पहले वैक्सीन कैसे पकड़ती है, मान्य जी हैं अभी स्वस्थ हैं, उन्होंने भी मास्क भी नहीं लगाया, तो कोरोना वायरस के लिए नौजे अभी अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद हमारे शरीर में पाई जाती है सिस्टम होता है, एंटीबॉडीज पाई जाती है, वो क्या करती है इन रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन जो कोरोना वायरस होता है वो धीरे धीरे हमारी एंटीबॉडीज खत्म करती है। ये तोड़ो जोड़ो प्रतियोगिता जिसमें एक ये छात्र जो है अनिल, ये फ्रिज को पूरा खोल के इसको असेंबल करेंगे दोबारा से पूरा तोड़ के, और उसके बाद इसको दोबारा से अरेंज करेंगे, उसके बाद इसको चालू करके दिखाएंगे। सभी जो अध्यापक गण हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं और सभी लोग उसको अभी निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो एक छात्र हैं, यहाँ पर तीन छात्र मिलकर ये काम को कर रहे हैं, जो 10th, 11th और 11th से ही हमारे अरुण जी यहाँ पर ये लैपटॉप को यहाँ पर जो है गुरु जी यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। सभी जो हमारे दीदी भी हैं हमारे यहाँ पर निरीक्षिका, जो इन बच्चे का मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चे सही से काम कर रहे हैं, क्या कर पाते हैं असेंबल उनको जोड़कर। वैसे कॉन्फिडेंस से तो बच्चे के लग रहा है कि ये पूरा इसको तोड़ के और जोड़ के पूरा बना देगा। और यहाँ पर बगल पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये 10th के छात्र हैं हिमांशु, और ये पूरे यहाँ पर मोबाइल को पूरा सारे जो पार्ट हैं उनको हटा के उनको दोबारा से असेंबल करेंगे यहाँ पर। अभी हम आए हैं जो हमारी पहले क्लास के बच्चों को अपना पूरा स्कूल घुमा रहे थे, और ये हमारी 9th की क्लास थी जो वहाँ पढ़ा करता था। अभी यहाँ पर निर्माण चल रहा है ना, सारे अभी पहुँचे तो पहले बढ़िया हुआ करता था, अब मैं यहाँ पढ़ता था। और ये जो ये जरूर बताइए आप, ये जो सांसों देख रहे हैं बस एक ही खेल होता था 6 साल में, वो इन सांसों से निकलना है। बच्चों को दिखाएंगे अपनी 8th की क्लास जहाँ पर हुआ था, ध्यान रखता आपका जगत का, अरे जगत जगत वहाँ पर बेड सीट पे ऐसे हिला रहे थे, यहाँ से प्रिंसिपल साहब आए उन्होंने जगत पे ऐसे देख कौन हमने पहले बहुत तेज ऐसा होता था। अरे मैं आपको बता दूँ पूरा स्कूल हमारा मैं पूरा ही देख रहा है कि काफ़ी कुछ बदलाव आ गया, क्योंकि बहुत समय बाद मैं अपने स्कूल में यहाँ पर आया हूँ। क्लास नहीं है जब वहाँ पर, मतलब पहले हम लोग 8th में थे तो यहाँ पर मतलब पूरा क्लास होता फुल था, मतलब सारी क्लास में भरी हुई थी, 8th की जगह नहीं थी बच्चों के लिए, इतने एडमिशन उस समय थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, जगह जो थे वो यहाँ पर ऐसे डिस्क कर रहे थे, तो वहाँ से हमको यहाँ से निकल गए थे। तो प्रिंसिपल साहब ने बाकी पूरी क्लास में यहाँ मुर्गा बनाया था, नहीं मुर्गा बनाया था सामने सबको बैठा के, और वहाँ पर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। ये पूरा रास्ता यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता नाटक पूरा यही मंच पे, ये मंच है जो हमारे सामने ही बना, ये पहले नहीं था ये मंच, ये वाला ये जो मंच अभी यहाँ पर बैठे हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, यही मंच है, यही कार्यक्रम होता है, यहाँ बच्चे नीचे बैठे रहते हैं। अब वो अंदर भी हॉल बन गया है ना, और यहाँ पर हमारी क्लास शायद 10th की क्लास है यहाँ पर, हाँ हमारा लगभग 7 था हमारे, ये 10th की क्लास। और पहले यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे दिखा दो, हाँ बिल्कुल सही, यही मेरी क्लास थी, अच्छा यहाँ पर 9th B मुझे अच्छे से याद है कि जितने भी सेक्शन मुझे मिले हैं वो 9th B मतलब बी सेक्शन मिला, 10th B में बी था, और शायद अल्फाबेट के लिए वीडियो मुझे उनके गली थी बहुत। अगर हमारे क्लासमेट ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा विपिन अग्रवाल पूरे कहना का, तो मैं उसको बोल रही हूँ विपिन कह रहा बस अब नहीं अरे इतने तेज विपिन के बॉल करी कि विपिन ने खेलने ही बंद कर दिया उस दिन। तो काफ़ी कुछ यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं इस स्कूल से, मैं आपको दिखा दूँ एकदम, मैं पर्टिकुलर स्कूल में आऊँगा और पूरा ब्लॉग जो है मैं शूट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आके काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती है। मैम ये इसलिए बनाया गया था कि चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजना था, उसके दक्षिणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और उसके जो लैंडर है आपने उसको क्योंकि सर मैम उसकी जो आंशिक असफलता मिली थी बस उसी का कार्य चंद्रयान 3 भी करेगा, बट उसकी जो कनेक्शन टूट जाने की वजह से इसको और भी मॉडिफाई किया गया है, और इसका कार्य भी जो है वो दक्षिण ध्रुव पर जाना होगा उसके दक्षिण ध्रुव पर। कि मंगल पे जीवन संभव हो सकता है, बट मैम बात पृथ्वी के लिए क्यों आई और किसी ग्रह पे जीवन संभव क्यों नहीं है, क्योंकि मैम इनके बीच की जो दूरी है सूर्य, वो बहुत अधिक टेम्परेचर होता है मैम इसका, और अगर मान लो इसके पास सबसे पहले जो मरकरी है, मरकरी इसके
सबसे पास वाला ग्रह है, अगर मान लो इस पर जीवन हुआ तो जीवन नहीं संभव हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, अधिक टेम्परेचर में हम नहीं रह सकते, बैलेंस होना चाहिए टेम्परेचर का, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। इसलिए पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें समान रूप से मतलब धूप आती है, टेम्परेचर भी आता है और ना ज़्यादा सर्दी पड़ पाती है। इस जोन को क्या बोलते हैं जिसमें लोग जिसमें पृथ्वी आती है, इसमें अगर और पिंड आ जाएंगे तो उसमें भी जीवन संभव हो जाएगा। हमारी ह्यूमन सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है और फिर वैक्सीन कैसे वर्क करती है, तो सबसे पहले तो ह्यूमन सेल को कोरोना कैसे इन्फेक्ट करता है, हमारी कोशिकाओं की सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देता है जो हमारे लिए यूजफुल हो। अब कोरोना तो हमारे लिए हार्मफुल होता है, फिर ये अंदर कैसे आने देता है? कोरोना में एक खास बात है, ये अपने आप को मॉडिफाई बहुत जल्दी करता है, तो इसने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई किया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन के सबसे बाहर जो पाया जाता है एसी रिसेप्टर, और ये इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं ये एसी रिसेप्टर 2 से मैच हो जाते हैं। नहीं मतलब वैक्सीन का वर्क दिखा रहा है, वर्क दिख रहा है। मेथड्स पता है वैक्सीन के, कौन कौन से मेथड्स वैक्सीन में? मैम वैक्सीन में क्या होता है कि वो मरे हुए जो कोरोना के मरा हुआ कोरोना वो एक मेथड है, उसके अलावा भी और मेथड होते हैं उसके लिए पढ़ना। तो हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है, इसे हम हमारी बॉडी का सीपीयू भी बोलते हैं। ब्रेन जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राथमिक, मध्य और पश्चिम। जो प्राथमिक भाग होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, और जो सेरेब्रम होता है वो हमारी संवेदनशीलता को कंट्रोल करता है, और सेना के लिए सुरक्षित परिवहन क्षेत्र बनाया है। तो मैम जैसे हमारे यहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें जो टेररिस्ट की कार थी वो सीधे आकर हमारे यहाँ पे जो आर्मी कैंप था वहाँ पे हमला कर दिया था, तो उसके लिए मैंने उस घटना को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये मैम अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वर्क कैसे करता है। मैम ये मैंने स्विच ऑन ये बटन लगाया है, उससे ये जो चालू हो जाएगा। अब ये सेंसर है मैम, इसके सामने जैसे ही कोई कार एंटर करेगी यहाँ से विदाउट परमिशन, अगर यहाँ पे विदाउट परमिशन करेगी तो मैम यहाँ पे जो सैनिक है वो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी को चालू कर देगा, यहाँ आगे जाके रोड ब्लॉक हो जाएगा, वो आगे नहीं निकल पाएगा। और मैम यहाँ पे मैंने जो बजर लगाया है तो उससे जो आवाज़ होगी तो उससे आर्मी के कैंप में जो सैनिक होंगे वो तैनात हो जाएंगे। समस्या ये है कि जो किसान अपने खेत के चारों तरफ नुकीले तार लगा देते हैं वो थोड़े गलत होते हैं, जैसे कोई जानवर है। तो आपने क्या किया है इसके लिए? इसके लिए हमने वायर लगाया चारों तरफ। ये अभी मतलब कैसे इसका कॉस्ट आपने जज किया है कि उससे एक्सपेंसिव हो सकता है? कॉस्ट भी हमें देखनी पड़ेगी ना किसानों के लिए। उन्होंने कटीले तार को हटाने के लिए हमने ये अल्टरनेटिव दिया, ऐसा अल्टरनेटिव सोचना चाहिए कॉस्टली पर तो बहुत कॉस्टली होता है। हमने एक दिन में इतने सारे फटाके फोड़ दिए, दिल्ली में इतना प्रदूषण फैट जिससे कोई निकल ना सकता वहाँ, ध्वनि प्रदूषण जैसे कि आप जानते हैं अपने वाहनों कारों में इतना तेज वॉल्यूम लगा देते हैं हमारे कानों को चुभता है, जिससे हमें परेशानी भी होती है। जल प्रदूषण जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के समय जल पैसे तो पानी इतना गंदा था। आप कुछ इसके लिए समस्या का निदान दिखा रहे हो? समस्या भी निदान भी है। निदान क्या है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और जो कचरा फैलता है उसको रोकना चाहिए। जैसा कि मॉडल में दिखाया कि ये ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र, मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि मानव में जो आँख होती है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और जो मानव में आँख होती है उसमें प्रतिबिंब सजा उल्टा बनता है, उसे ब्रेन है वो उसे कन्वर्ट करके मतलब सीधा दिखाता है। जो कि प्रकृति और मानव जाति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये इन्हें चार चीज़ों से मिलकर बनी है, वायु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस और सौर ऊर्जा का समृद्ध है। जैसे कि सर हमने ऊर्जा की बचत कर सकते हैं बहुत सारी ऊर्जा। Thank you.
भाई ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आप चैनल पर नए हो तो वो जो रेड वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मेरी मिस ना हो आपसे। इन द फ्यूचर कभी भी अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए समय से, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक है, चलिए चलते हैं, गुड नाइट, धन्यवाद आप सभी का।